नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। पद्मश्री अनूप जलोटा, जो कि भजन के सम्राट माने जाते हैं, आज वो राधे माँ के दरबार में भजन करने पहुँचे। अनूप जलोटा ने जैसे ही अपना भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों के पैर थिरकने पे मजबूर हो गए। अनूप जलोटा के अलावा और कई गीतकारों ने खूबसूरत समा बांधा और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। आपको बताते चले, यह कार्यक्रम राधे माँ की आवाज पर रखा गया था, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने जलोटा जी के भजन कीर्तन का आनंद उठाया। अनूप जलोटा ने बताया कि राधे माँ की कृपा है जो कि आज उनके यहाँ गाने का मौका मिला। राधे माँ ने भी अनूप जलोटा को शुभकामना देते हुए आभार व्यक्त किया। ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के CMD संजीव गुप्ता ने बताया कि राधे माँ की उन पर कृपा है और उनके आशीर्वाद से इस मुकाम पर हूँ। देवी माँ ने हम सबको दर्शन दिए, हम सब पर कृपा की। जो भी अवसर होता है उसकी विशेषता ये होती है कि जब देवी माँ, हमारी राधे माँ वहाँ आके आशीर्वाद दें तो सब कुछ सुख शांति से, प्रेम से गुजर जाता है, अच्छी तरह से पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और आज तो इनके परम भक्त किशोर जी भी आए, उन्होंने भी गाया, ऐ माँ तेरी सूरत से। और रुचि ने शंकर भगवान का भजन गाया जो देवी माँ को बहुत पसंद आया। आपने हाथ भी रखा इनके सर पर, इतना सुंदर गाती है। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बार फिर सबने, और छोटे ग्रुप ने, ये नहीं कि हजारों लाखों की संख्या में जब देवी माँ को हम देखते हैं तो दूर से देख पाते हैं, लेकिन आज हम सामने खड़े हुए आज ऐसे है जैसे गुड़िया देवी हमारे सामने खड़ी है। तो हम सबको बहुत आशीर्वाद मिला है और हम चाहेंगे कि बार बार हमको ये अवसर मिले और हम यहाँ पर आपके चरणों में आए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगा था कि आज राधे माँ के दर्शन मुझे ऐसे साक्षात होंगे और उनके सामने मुझे शिव का भजन गाने को मिलेगा। ये मेरी जो एक तमन्ना थी, आज पता नहीं माँ के सामने आके और जो दिल से आवाज निकली है, पता नहीं, बहुत अच्छा गाया, आशीर्वाद मिल गया। विशेष कृपा है मेरे पे और मेरे परिवार पे। लास्ट 14 साल से जो देवीमा जी ने आशीर्वाद दिया है, एक देवीमा जी हैं जो छाती ठोक के हमारे परिवार के सुख दुख में खड़े हैं। आज जो भी मैं खड़ा हूँ उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से खड़ा हूँ। नहीं तो काफ़ी देर पहले मैं बिखर गया था, आज जो उनने मुझे खड़ा किया है और जो भी मैं हूँ उनकी ही कृपा से खड़ा हूँ। ये एकदम सच्चाई है। राधे माँ माँ के साथ एक बहुत अच्छे गाइडर हैं जो मतलब खाली खड़ा ही नहीं करते हैं, आगे की लाइन भी देते हैं, गलतियों को माफ़ करते हैं और एक मार्गदर्शन देते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। अगर राधे माँ के प्रिंसिपल्स पे चले जाए, वो राधे माँ अपने फॉलोअर्स के साथ जैसे सच्चे राह पे चलते हैं, खुद इतने बड़े पदवी पे होने के बाद जो राधे माँ में पावर है, जो है हमारे फॉलोअर, हम जैसे इंसान के लिए वो लेवल तक नीचे आते हैं वो, और हमारी गलतियों को नहीं देखते हुए सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलते हैं और देखते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। वही चीज़ मैं इम्प्लाई करता हूँ अपने ऑफिस में अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वही चीज़ मेरे को बहुत आगे ले जाए।